हे व्हाट्सअप गाइस, सबसे पहले ये बताओ कैसे हैं। तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ भाभी कैसी हैं, भाभी कैसी हैं। तो यार ये वाला चैलेंज है डाइनो ब्राउल गेम प्ले का, जो पहले मैं एक इसमें रैंक ला चुका हूँ एंड मैंने सोचा यार फ्री टाइम था, वेला था मैं, मतलब फ्री था, तो मैंने सोचा यार उसी चैलेंज को दोबारा खेलते हैं। एक में मेरी रैंक पता नहीं कितनी आई थी, 70-75 पता नहीं क्या 78 ऐसा कुछ आई थी, तो मैं सोचा यार दोबारा खेलते हैं एंड 12 विन करते हैं एंड एक वीडियो बहुत सही सा यार जुगाड़ करते हैं। क्योंकि उस समय मेरे पास कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी, अभी तो भाई के पास बहुत भर भर के कंटेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भर भर के भाई पेट भर के कंटेंट। अरे यार कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का ट्राई कर रहा था भाई। ओके तो चलिए धंधा शुरू करते हैं। गुरु जी को कॉपी नहीं कर रहा हूँ भाई, अपना अपना डायलॉग बनाया है कल यूट्यूब पे सर्च करके, बहुत मुश्किल से यार इसके लिए मेरे को 3 घंटे सोचना पड़ा कि भाई क्या स्टार्टिंग में बोलूँ मैं, क्या इंट्रो में लगाऊँ। तो मैंने सोच लिया कि अब मैं यही, ये मेरा यूट्यूब है, ये मेरा गेम है, इसी से मैं पैसा कमाता हूँ, तो ये मेरा धंधा हुआ है ना। तो जब ये मेरा धंधा है तो फिर हम लोग गेम भी शुरू करें, तो चलिए धंधा शुरू करते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा यार कि ये डायलॉग मेरे लिए बेस्ट है। तो तुम्हारे भाई ने नया डायलॉग का उद्घाटन किया है जिसका नाम है तो चलिए धंधा शुरू करते हैं। आप लोग को यार ये वाला डायलॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करके बताना। एंड इसकी माँ का छोला कौन आ गया, किंग के कौन है भोसड़ी के। ओके तो किंग के 007 001 है, सॉरी भाई। तो ये 001 के बाद ना 0001 मत लिखो, 1 उसके बाद 00 लिखो ताकि 1000 लगे, मतलब किंग के 1000, समझ रहे हो। नाम में जो है चेंज करो, तुम बदलोगे दुनिया बदलेगी, वो बोलते हैं ना कि सोच बदलोगे जिंदगी, सोच बदलोगे शौचालय बदलेगा, नहीं यार क्या बोलते हैं, सोच बदलोगे सोच नहीं, टट्टी करने के बाद सोच वाला सोच नहीं, सोच बदलोगे देश बदलेगा। हाँ ये वाला था, ये हमारे प्रेम सॉरी ये हमारे प्रिय इंडिया वाले सब कहते हैं कि सोच बदलोगे शौचालय बनेगा, नहीं देख क्या बोल रहा होगा कि सोच बदलोगे देश बदलेगा। हाँ भाई तो अभी डायलॉग परफेक्ट बैठाया मैंने। ओ भाई टाइगर फ्यूरी स्ट्राइक मारने का मौका ही नहीं, ऐसे ही स्टन कर दिया। तुम्हारे भाई प्रो प्लेयर हो गया, तुम्हारा भाई प्रो प्लेयर, तुम्हारा भाई भ्रम, तुम्हारा भाई अश्वत्थामा, तुम्हारा भाई पूरा खिलाड़ा हो गया भाई इस गेम के। भाई एकदम अपन चौचक खेलते हैं, चौचक मतलब प्रो टाइप, मतलब यार जुगाड़ करके एकदम प्रैक्टिस करके भाई 5 सालों से मैंने हिलाया ये इस गेम में और क्या उखाड़ा। तो भाई ये तुम्हारा भाई इस गेम को बिल्कुल चौचक खेलता है कुल मिला के, एंड अभी तुम्हारे भाई जो है ट्राई करता है हर इवेंट का गेम प्ले लाने की, भले ही हम 12-13 या 14-15 विन करते हैं उसकी नो मैटर गाइस, अपने को मैटर बस इतना है कि 12 विन करना है, एक लेजेंडरी लेना है एंड एक सस्ते से 15 मिनट के वीडियो का जुगाड़ करना है, इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है एंड इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि हम विन कर पाएंगे, क्योंकि हम उत्तर अमेरिका गेमिंग तो है नहीं भाई बहन, जो हम रैंक 1 लिया है माँ यूए, ना ही हम रियल वॉर मशीन है जो रैंक 1 लिया है, ना ही हम कोई बड़े यूट्यूबर है जिसके 60,000 सब्सक्राइबर हो। कौन है 60,000 वाला, कौन है बहन जिसके 60,000 सब्सक्राइबर है। पावर रेंजर लैक्सी वार ऑफिशियल वालों के भी 44 के सब्सक्राइबर ही हैं, एक वही वॉल्व थंडर है जिसके फेक सब्सक्राइबर है शायद, क्योंकि भाई 60,000 सब्सक्राइबर होते हुए भी उसकी वॉचिंग 2-3 की आती है जब वो लाइव स्ट्रीम करता है एंड इसके वीडियोस पे व्यू नहीं आते। मेरे को कभी समझ में नहीं आता यार कि इसने 60,000 सब्सक्राइबर किए तो किए कैसे। आई नो दैट थिंग कि वो बहुत पुराना यूट्यूबर है, पावर रेंजर लैक्सी वार का सबसे स्टार्टिंग से जोनाथन एंड उसने जो है स्टार्ट किया था अभी इंडिया में। मेरे को नहीं पता कि कितने लोग पावर रेंजर लैक्सी वार की गेमिंग चैनल करते हैं या कितने लोगों ने बनाया है, मैं जस्ट कुछ लोगों को जानता हूं जो इस गेम के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, बाकी अदर कंट्रीज से तो बहुत अच्छे अच्छे गेमर्स हैं जहां तक मैं जानता हूं। वॉल थंडर अभी इतना फेमस नहीं रह गया, बहुत कम लोग उसको देखते हैं, व्यूज़ भी बहुत कम आता है। जोनाथन के लोग अनबॉक्सिंग के वजह से जाते हैं क्योंकि वो हर रेंजर की अनबॉक्सिंग करता है। नैश आर्नोल्ड का कंटेंट स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था एंड अभी वो गैप दे दे के वीडियोस डाल रहा है, आई डोंट नो कि इतना गैप क्यों यार, वो मेरे को लगता है फ्रस्ट्रेट हो गया है गेम से, क्योंकि भाई व्यूज़ बहुत कम आते हैं, 1000, 2000, 3000, 5000 इसके ऊपर व्यूज जाता ही नहीं है भाई। ये गेम का पॉपुलेशन खेलने वाली इंडिया में मेरे को पता नहीं कितने परसेंट हैं, पर जितने भी परसेंट यार लोग हैं पता नहीं क्यों इसमें व्यू नहीं जाते, कम से कम 10,000 तो व्यू जाया करे एटलीस्ट एक वीडियो पे, एक दो दिन में नहीं तो हफ्ते भर में जाएं 10,000 व्यू यार, पर 10,000 व्यू तक तो जा सकते भाई। क्या पूरे इंडिया में 10,000 बंदे भी नहीं होंगे जो यार ये गेम खेलते होंगे, इतना छोटा है हमारा इंडिया, साला 130 करोड़ की जनता में 10,000 बंदे नहीं खेलते होंगे भाई। तो जब 10,000 बंदे गेम खेलते हैं तो साला 10,000 व्यूज़ क्यों नहीं आते, मेरे वीडियोज़ पर व्यू 1,000-2,000 आते हैं मैक्सिमम एंड जो कि एक दो दिन में हो जाते हैं, ठीक है 2 दिन में ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं यार। अब
पहले तो साला 30-40 जाते थे, ये बहुत गलत चीज़ है भाई। जो मेरे को प्रमोशन चाहिए, मेरे को अपने वीडियोस पे 10 के व्यूज़ लाने हैं गाइस। कोई अगर आपको सस्ता सा आइडिया पता है जहाँ से मेरे वीडियोस पे 10 के व्यूज़ आ जाएं, प्लीज़ बताना। एंड कंटेंट की कमी मेरे पास हमेशा रहती है, क्योंकि तुम्हारा भाई ट्राई करता है दिन में एक या एक से अधिक वीडियो डालने की, यानी कि दो या तीन, पर एक वीडियो तो ऑलमोस्ट मैं रेगुलर डालने का ट्राई करता हूँ। आज तुम्हारे भाई ने टोटल जुगाड़ किया है, तो दो तीन वीडियोज़ का अपन हिल्ला कर रहे हैं। अगर हो जाएगा तो आज एक से ज़्यादा वीडियो भी आएगी, बाकी राम भरोसे। एक्चुअली राम पे हम बहुत विश्वास करते हैं, हमारे गॉड फादर हैं, मतलब सभी के हर इंडिया में फिलहाल विश्वास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुर्घटना से देर बली। एंड किसी बहुत ही बड़े कवि ने कहा है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। एंड जिसने मेरा जिसने मेरा राइमिंग नहीं बननी है गाइस, जिसने मेरा कॉन्फिडेंस गिराया उसकी माँ की खीर। राइमिंग नहीं बननी है, फिलहाल अपने कुछ ना कुछ गा दिया है, चलो बजा दिया है। कुल मिला के यार राइमिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, नए नए डायलॉग बनाने हैं इसकी माँ का छोला। तो गाइस और एक चीज़ की यार मेरे को आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई स्पॉन्सर्स चाहिए मेरे को मेरे चैनल पे, भाई स्पॉन्सर्स चाहिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन है यार, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सिर्फ 29 रुपीस का प्लान है यार। 29 रुपए में क्या आता है, बच्चे का डाइपर भी यार 40 रुपए का होता है, नहीं वो तो 9 रुपए का होता है। अरे मैं स्मॉल साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 9 रुपए का आता है। जो बढ़िया क्वालिटी का डाइपर आता है, बढ़िया क्वालिटी का, लोहे का थोड़ी ना होता, साला गांडे फट जाएंगे। ओके मतलब 29 रुपए का तो यार डाइपर आता है बच्चों के लिए, तो उतने में एक महीने की सब्सक्रिप्शन आपको मिली यार। आप लोगों से दरख्वास्त है हमारे लिए, आपके भाई के लिए यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो ज्वाइन बटन है उस पर ज्वाइन हो जाएं, यानी कि प्रमोशन हो जाएगा मेरा थोड़ा सा, और जो है स्पॉन्सर्स मुझे थोड़े मिल जाएंगे। और तो स्पॉन्सरशिप चाहिए मेरे को भी, कुछ लोग हो सके तो यार ज्वाइन करें। एंड लाइव स्ट्रीम पे भी सुपर चैट देने का ट्राई करो यार, बहुत गरीब हूँ सर, मैं बहुत गरीब हूँ सर, मैं बहुत ज़्यादा। अबे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कल मोदी जी आए थे, सॉरी मोदी जी का इंटरव्यू लेने के लिए कल कोई और आया था, एंड मोदी जी बहुत बिजी चल रहे थे, तो फिर मोदी जी की जगह मेरा इंटरव्यू लिया गया गाइस। एंड मैंने उन लोग को बताया कि भाई कितनी समस्या चल रही है इस समय गेम में, साला लैग बहुत होता है भाई। ओके तो कल मोदी जी बहुत बिजी थे, मैंने जैसा पूरा मूड ख़राब कर दिया भाई, इसने मुक्का मार के, इसने पंच मार के पूरे मूड की समझ रहे हो ना। अब नहीं, अब कमेंट्री की वाट लग ली, हट थू भक भक बहुत सीखा, हट अब नहीं करेंगे। ओके तो अपन इसको पहले पे, अरे वाह क्या लैंडी खिलाड़ी है भाई, सिर्फ इसको ही लगता है कि इसको प्रो प्लेयर वाली टिप्स पता है, हम क्या लैंडी हैं भाई, हमें कुछ ना आता भाई, हम साला 22 सालों से मैं ये गेम खेल, नहीं ज़्यादा फेंक रहा हूँ क्या, ओके पूरे 5 साल से ये गेम खेल रहा हूँ, इतना तो पता ही है। ओके आओ कि क्लोज रेंज में शील्ड दबानी होती है, वरना स्ट्राइकआउट बहुत तेज़ी में होता है भाई, किया पड़ती है जस्ट मुँह पे एंड गांड से आवाज आती है फट से। अरे 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 नशे, अरे हाय मजे, ओ यार ड्यूटी ने डंडा पूरा दे दिया बहन कस की गांड में, गांड में डंडा से याद एक गाना याद आया है, ना सोने की मुर्गी ना हीरे का अंडा, गान में डंडा दे दूँ मैं तेरी, गान में डंडा दे दूँ मैं। अगर आपको ये गाना पसंद आया है तो प्लीज़ स्टार और 9 दबाएं, हैश में रिप्लाई करें यस और नो के साथ, और आप अगर इसे कॉलर ट्यून लगाना चाहते हैं तो 5 रुपये का सुपर चैट देनी पड़ेगी। मजाक 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 गाइस, जस्ट कैसा लगा मजाक बताना। HP लेसनर बहन चो, ये कौन सा लेसनर है, ब्रॉक लेसनर का तो मैंने सुना था कि WWE का फाइटर, ये साला सस्ता गांव का WWE का फाइटर लग रहा है भाई, गली का WWE का फाइटर है मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई जो इसने रेंजर चूज़ किया ना भाई, इसने कोडा लिया है लिटरली, इवेंट में कोडा कौन चलाता है बहन का लोडा भाई, कोडा क्यों, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे असिस्ट हैं भाई, कोडा और सस्ता सा इसने लगाया वाइट DT एंड मूवी वाला रेड जैसन भाई साहब, रिप किस्मत, यानी कि कलो रिप जिंदगी एंड रिप, अरे पर फिर भाई बहुत अच्छा खेल रहा है भाई, जो मेरे को फिनिश करने के विचार में है ये भाई, भले इसकी टीम झाटू है पर बंदा प्रो लग रहा है, क्योंकि वाइट लाइट टाइगर, अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू भाई, मेरे झांसे में आखिरकार आ गया, शाबाश, ओ भाई 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 भाई, अगर मैं इससे हार गया तो बेइज्जती बड़ी भर के होगी भाई, मेरे को पीरो टाइप खेलना पड़ेगा, अस्तला विस्तला मुर्गी दी सादी थोड़ी मारी, जय हो। तो भाई अपन हारेंगे नहीं, जब भी अपन ये मंत्र मारते हैं सामने वाले की माँ छोड़ देते हैं, मेरा मतलब है कि सामने वाले को बीट कर देते हैं, ये मंत्र मेरे लिए बहुत ही लकी साबित होता है, क्योंकि अपन लोग 8 विन कर चुके हैं। इसी खुशी में आप लोगों को शाउट आउट दे रहा हूँ, जो जो मेरा वीडियो को लाइक करेगा बहुत ही ज़्यादा, उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर सबको मिलेगा, वायरल हो जाएगा, नहीं मतलब यार वायरल हो जाएगा, नहीं यार गलत बोल गया मैं, खैर छोड़ो।
ओके गाइस, तो गला सुधारते हुए अपन एक स्ट्रेप्सिल्स खा रहे हैं यार। स्ट्रेप्सिल्स से ज़्यादा स्ट्रेप्सिल्स की एक पहले ऐड आती थी, नहीं वो स्ट्रेप्सिल्स की नहीं ऐड थी यार, दिमाग की बत्ती जला दे मेंटोस की ऐड थी भैंचो। मेंटोस में क्या था, वो तबले बजाने वाला सीन मेरे को कुछ याद नहीं। अरे यार टाइगर फ्यूरी स्ट्राइक आ गया, मैं सोच रहा हूँ लपेट दूँ इसको, फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक कॉम्बो बना लेता हूँ यार, कॉम्बो बनाने से ज़्यादा फायदा होगा। ओके तो 6 पिकोस भरी थी एंड अब 8 हो जाएगी, बोम तो 7-8, ओके 8 हो गई थी स्पेयर कॉम्बो। बहुत सही भाई, क्या डैमेज है इसका भाई। लेटेस्ट में यार इजी गार्सिया, वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट रेंजर में आती है इजी गार्सिया। इस कैरेक्टर से आप किसी भी रेंजर को बीट कर सकते हो, बस आपको जस्ट ट्राई कैंसिल करनी है एंड ब्रेकर मारना है। इजी टू यूज़ है, अगर आप बताओगे तो मैं आपको इसके ऊपर एक टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बना दूंगा। बट भाई बहुत ही तगड़ी और बहुत ही ज़्यादा, सुबह भैया इन द बैटल, मतलब बहुत ही तगड़ी और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप रेंजर है। एंड यार अभी गेम में लेटेस्ट में 4-5 रेंजर एपिक में ऐसे हैं जो लेजेंडरी को भी इजीली बीट कर सकते हैं, बस आप लोग को यूज़ करने की ज़रूरत है, आप लोग उनको यूज़ करो। एंड जो मेरे भाई फ्रेंड सब्सक्राइबर 1 साल के अंदर वाले हैं जिनके पास अच्छे रेंजर नहीं है, वो लोग कहते हैं भाई मेरे पास लेजेंडरी नहीं है, तो भाई लेजेंडरी ही इस गेम में सब कुछ नहीं है। पे टू विन प्लेयर्स के लिए लेजेंडरी ही सब कुछ होगा, बट अगर आप लोग अच्छे प्लेयर और अच्छे गेमर बनना चाहते हो तो आप इपिक पे ध्यान दो। इपिक को आप लाइफ टाइम अपग्रेड कर सकते हो, यानी कि लेवल 8 तक आप करना चाहते हो तो कर सकते हो फ्री में, मुश्किल है थोड़ा लेकिन आप लेवल 8 कर सकते हो इपिक को। अपनी अलायंस में रिक्वेस्ट ले लेके, अरे उड़ा दिया मैंने इसको, क्या बात है, तो अपनी अलायंस में रिक्वेस्ट डाल डाल के आप उसको लेवल 8 तक इजीली कर सकते हो, जो कि आप लेजेंडरी में नहीं कर सकते ब्रो। लेवल 3 तो इजीली हो जाता है बट लेवल 4 में गांडे पड़ जाती हैं मुन्ना, मतलब जेब तो फटती है भाई पैसे खर्चते खर्चते, गांडे भी पड़ जाती हैं मुन्ना, समझ रहे हो। ये मजदूर का हाथ है, कह दिया मुक्का मार के किडनी बाहर निकाल देता है। अरे ये फिर कोडा वाला, अरे ये वो अलग है शरीफ लड़का, अबे कितना शरीफ है भाई तू, ना बता दिए जरा चक्रम घुमा दूंगा, आते बाहर आ जाएंगी झांटे नहीं गाइस आते आते। अबे यार मिडल स्लॉट मैंने वहीं यूज़ कर दिया, फिर भी मिस हुई हुआ मिडल स्लॉट भाई साहब। देखो वो बंदा तो था पिरो, वो कोडा चला रहा था समझ में आता है, लेकिन तुमको देख के तो नहीं लगता कि तुम पिरो हो किसी गाँव की तरफ से, मतलब किधर से पिरो हो भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस हिसाब से आपका गेम प्ले है मेरे को ऐसा लग रहा है कल ही आपने गेम ज्वाइन किया है। अरे नहीं कल नहीं, 1 महीने से ऊपर हो गया होगा भाई, 1 महीना गारंटीड हो गया। इसका बर्थडे था ना भाई पिछले महीने, मेरे को बताया इसने, इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है भाई मेरे को, भाई किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी ना मशहूर है हम इंस्टाग्राम पे, साला रील्स बनाता हूँ मैं, वो बात अलग है कि बहुत कम बनाता हूँ, अश्लील बनाता हूँ। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है @MrSanjay11win के साथ, अपन आगे बढ़ रहे हैं @MrSanjay3245 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, कृपया करके फॉलो करें और मेरी रील्स देखने का शुभ अवसर प्राप्त करें। अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू। अडवैत भैया इन द बैटल जो कि जैक डीएस चला रहे भाई, बहुत खतरनाक। एंड जैक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर में आता है साला, जो रेंजर अच्छा होता है मैं उसको वन ऑफ द बेस्ट ही बोल देता हूँ, क्योंकि ये सच है यार, मैं झूठ नहीं बोलता, सबको पता है मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ के, सबको पता है क्योंकि मैं उसके साथ बहुत झूठ बोलता हूँ। जो प्यार और मोहब्बत में 90% झूठ बोलना पड़ता है गाइस, किस किस को ये चीज़ सही लगती है कि प्यार मोहब्बत में 90% झूठ चलता है। देखो अगर आप झूठ नहीं बोलोगे, अगर उसने पूछा बेबी मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, तो अगर तो तुमने बोला बेबी तुम मुझे बहुत क्यूट बहुत सुंदर एंड एकदम यार पापा की परी लगती हो, तो वो बहुत खुश हो जाएगी एंड तुम्हारे साथ डेट पे डिनर पे लंच पे घूमने फिरने मूवी टिकट लौड़ा लसन जहाँ बोलोगे वहाँ चले जाएगी। और अगर उसने पूछा कि बेबी मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, या फिर वो पूछने बेबी आज मैं कैसी लग रहा हूँ, अगर तुमने गलती से भी सच बोल दिया कि भाई तो चुड़ैल लग रही हो, उसी दिन डाइवोर्स होगा और तुम्हें जेल हो जाएगी भाई 5 साल की, मतलब ब्रेकअप प्लस जेल 5 साल की सीधा, किसी की बेइज्जती मुंह पे करोगे तो यार। तो प्यार मोहब्बत में 95% झूठ चल जाता है जो कि हमें ऐसा लगता है, बाकी आप लोग अपनी राय के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कैसा लगता है, बाकी हम कुत्ते जैसा भर रहे हैं। अरे यार ये मैच किट्टू भैया तुम कहाँ स्टप के भाई चो बीच में, अरे अच्छा वो मैच थोड़ा सा लैग हुआ, एक्चुअली बैटल यही है बस, वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे बीच में एंड हो गई थी स्टोरेज, तो बाद में दोबारा से जो है रिकॉर्ड हुआ, इतने पर से दो पार्ट में रिकॉर्ड हुआ, इसीलिए वो थोड़ा सा कट टाइप लग गया इसमें बीच में। किट्टू भैया को अपन, अरे किट्टू भैया को शायद अपन जानते हैं यार, किट्टू भाई क्या हम तुम्हें जानते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में करके बताना ताकि मैं पहचान पाऊँ, आधार कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो यार ऐसा आप लोग जानते हो कि भाई जी गार्सिया इज़ द बेस्ट कैरेक्टर इन पिक, इसी के साथ अपन ने 12 विन कर लिया। ओ भाई 82 की रैंक भी आ गई थी, क्या बात है,
12 in 82 की रैंक रिवॉर्ड की बारी है, एक लेजेंडरी मिलेगा गाइस। इसी के साथ ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। बाय।